था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो आज भी हम यही करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। हमें यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी है, तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? शुरुआत में हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें दिया है फर्स्ट टर्म विच इज डिनोटेड बाय ए इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। तो सबसे पहले हम टी वन निकालते हैं। टी वन मीन्स होती है फर्स्ट टर्म। टी वन और ए की वैल्यू सेम रहेगी, दैट मीन्स यहाँ टी वन की वैल्यू मिलेगी हमें 10। देन हम फाइंड आउट करेंगे टी टू, दैट इज सेकेंड टर्म। टी टू की वैल्यू होगी ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा 10 प्लस डी की वैल्यू दी है 5, दैट इज 50। देन थर्ड टर्म निकालेंगे हम। थर्ड टर्म रहेगा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू दी है 10 प्लस 2d, मतलब 2 इंटू 10 की डी की वैल्यू हमें दी है 5, तो ये होगा 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। देन हम T4 निकालेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 3d इक्वल्स टू, ए की वैल्यू दी है 10 प्लस 3 इंटू 5, दैट इज 10 प्लस 15 इक्वल्स टू, आंसर आएगा 25। ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती जाएगी। अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ देख लो, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है, फर्स्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एंड फाइनली हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। शुरुआत होती है 10, देन 15, 20, 25 एंड सो। ये एक तरीका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनल करने का। और एक तरीका है, हम देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे गिवन से। गिवन में हमें वैल्यू दी है ए इक्वल्स टू 10, डी इक्वल्स टू 5। फर्स्ट टी वन इक्वल्स टू ए, ये जो प्रीवियस इसमें मैंने बताया था वैसे ही रहेगा, टी वन इक्वल्स टू ए दैट इज 10। देन हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला रहेगा टी वन प्लस डी, दैट मींस जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसके साथ हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। टी वन की वैल्यू दी है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस दिया है 5, आंसर आएगा 15। देन हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो ये होगा टी टू प्लस डी। टी टू प्लस डी, तो टी टू की वैल्यू हमें क्या मिली है 15, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 5। 15 प्लस 5 आंसर विल बी 20। देन हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म के लिए बनेगा ये टी थ्री प्लस डी। थर्ड टर्म हमें मिली है 20 एंड कॉमन डिफरेंस दिया है 5, दैट मीन्स आंसर विल बी 25। ऐसे ही ये आगे बढ़ जाए बढ़ते जाए रहेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, देन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10, 15, 20, 25 एंड सो। ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमने दो मेथड्स देखे हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस वन इज सेकंड मेथड। जब भी हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर क्वेश्चन में दिया है और हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, तो ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं।